आत्मा है तो ये शरीर कार्य कर रहा है, और आत्मा निकल जाए तो ये शरीर कार्य करना बंद कर देगा। ये हमारी वास्तविकता है। इस शरीर में मस्तक के बीच विराजमान मैं जगमगाती हुई मणि हूं, और मैं आत्मा अपनी तीन शक्तियों के माध्यम से कार्य करती हूँ। वो तीन शक्तियां है मन, बुद्धि और संस्कार। जिस शक्ति के द्वारा हम सोचते हैं वो मन है, जो शक्ति हमें निर्णय देती है वो बुद्धि है, और जो कर्म हम बार बार करते हैं उससे हमारे संस्कार निर्मित होते हैं। संस्कार हमारे कर्मों की रिकॉर्डिंग है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सभी ने ये जाना, जैसे ये शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है और इस शरीर की ये वास्तविकता है कि ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आत्मा की तीन शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार है। और कल आप सभी ने सुना कि जो मन संकल्प शक्ति है, मैं आत्मा उस मन की मालिक हूं। आज मन हमारा मालिक बन चुका है। लोग अक्सर कहते हैं मन बहुत अशांत है, मन बहुत परेशान है, मन में बहुत स्ट्रेस है। लेकिन जब आप स्वयं से जुड़ेंगे और स्वयं के वास्तविक स्वरूप में जब आप टिकेंगे तो मन जो आपकी शक्ति है उसको अपने नियंत्रण में चलाना आपके लिए इजी हो जाएगा। आज तक इस मन पर कंट्रोल करना हमें मुश्किल क्यों लगा? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था कि मन का कंट्रोलर है कौन। अब हमने जान लिया कि मन को कंट्रोल करने वाली आत्मा है, यानी मैं आत्मा मन की कंट्रोलर हूं। ये मुझे भली भांति स्पष्ट हो चुका है। तो जब हम अपने स्मृति के स्विच को चेंज करते हैं, जो हमारी शारीरिक स्मृति है उसको हम आत्मिक स्मृति में कन्वर्ट करते हैं, तो आत्मा राजा का मन रूपी मंत्री पर सहज नियंत्रण हो जाता है। और ऐसे भी आपने सुना, मन को ना अमन किया जा सकता है ना मन का दमन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मन को सुमन बनाया जा सकता है। इसलिए आज के लिए मैंने आपको एक कार्य दिया था कि आपको सारा दिन एक शुभ चिंतन करना है कि आप एक आत्मा है, आप स्वयं परमात्मा की संतान है। इसलिए हमेशा अपने अंदर इस पॉजिटिव थॉट को क्रिएट करें कि आपके साथ जो भी होगा वो बहुत अच्छे से अच्छा होगा। तो हम सभी ने कल बहुत ही गहराई से आत्मा के विषय को जाना। आज मेडिटेशन का जो दूसरा विषय है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि
मेडिटेशन स्वयं के साथ कनेक्शन जोड़ने के साथ साथ परमात्मा से भी हमें कनेक्शन जोड़ना सिखाता है, क्योंकि हमारी मन रूपी बैटरी जो आज डिस्चार्ज हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें टेंशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, या हम छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम अपने गुणों को अपने कर्म क्षेत्र पर यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह है कि हम सबकी मन रूपी बैटरी आज डिस्चार्ज हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शक्तिशाली हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके मन की इम्यूनिटी बढ़े, तो आपको इस मन को उस पावर हाउस परमात्मा के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। जब आप अपने मन को उस पावर हाउस परमात्मा के साथ जोड़ लेंगे, तो परमात्मा शक्तियां करेंगे कि आपकी मनस्थिति बहुत शक्तिशाली हो गई। अब कई लोग अक्सर करके कहते हैं कि हमारा मन परमात्मा की याद में स्थिर नहीं होता है। जब भी हम भगवान को याद करते हैं तो ये मन बहुत भटकता है। तो कैसे उस परमात्मा की याद में मन को हम स्थिर करें, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आज हमारा मन परमात्मा की याद में स्थिर क्यों नहीं हुआ? उसकी एक वजह थी कि हमें परमात्मा की यथार्थ रीति पहचान नहीं थी। हम सभी परमात्मा को मानते तो हैं, लेकिन हम अपने आप से पूछें, क्या हम परमात्मा को जानते हैं? मानती सारी दुनिया है, कुछ एक्सेप्शंस ऐसे लोग होंगे जिनका परमात्मा पर विश्वास ना हो। मानते सब हैं, लेकिन हमें उस परमात्मा की पहचान नहीं है। और जब तक हम उस परमात्मा को यथार्थ रीति पहचानेंगे नहीं, तब तक हमारा मन उस परमात्मा की याद में एकाग्र नहीं हो सकेगा। तो आज का विषय आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आपको इस सत्र के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा का सत्य परिचय मिलेगा, जिस परमात्मा को पाने की वर्षों से आपको तलाश थी, जिस परमात्मा को पाने के लिए आपने अनेकों प्रयास किए, आज उस परमात्मा का आप परिचय। दुनिया में परमात्मा के विषय में बहुत सारी मान्यताएं हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या जितनी भी मान्यताएं परमात्मा के विषय में प्रचलित हैं, क्या सब राइट है? अभी तक हमारी मनस्थिति क्या थी कि जिसने भी परमात्मा के विषय में हमें जो कुछ भी बताया, हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट था कि हमें किसी भी बात में लॉजिकल होने की जरूरत नहीं है, हमने हर बात को सत्य समझकर स्वीकार कर लिया। लेकिन आज हम आपको
परमात्मा के विषय में कोई नई मान्यता नहीं देने जा रहे, बल्कि आज हम आपको एक कसौटी देने जा रहे हैं जिस पर आपको खुद परखना है कि वास्तव में परमात्मा है कौन। सबसे पहली बात जो परमात्मा के विषय में जानने की है वो ये है कि परमात्मा वो है जो सर्व धर्म मान्य है, क्योंकि परमात्मा हम सर्व आत्माओं का पिता है। किसी ने उसको गॉड कहा, किसी ने उसको ईश्वर कहा, किसी ने उसको अल्लाह कहा, किसी ने उसको खुदा कहा, किसी ने गॉड फादर कहा, लेकिन है तो वो एक ही। इसलिए परमात्मा को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि परमात्मा वो है जो सर्व धर्म मान्य है। ऐसा नहीं कि वो किसी एक धर्म की आत्मा का पिता है, नहीं, परमात्मा सर्व धर्म की आत्माओं के पिता है, इसलिए उनको परम पिता कहा गया। आप सभी जानते हैं मनुष्य आत्माएं अनेक हैं, देवी देवताएं अनेक हैं, धर्म पिताएं अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक है। परमात्मा शब्द कभी भी आपने बहुवचन में नहीं सुना होगा, हमेशा परमात्मा के लिए क्या कहा गया, गॉड इज वन। जब परमात्मा एक है तो उसकी पहचान भी एक होनी चाहिए। तो आज हम समझेंगे कि वो परमात्मा जो सबका पिता है उसकी सत्य पहचान क्या है। तो पहला विषय जो आया वो ये था कि परमात्मा वो है जो सर्व धर्म मान्य है। अब हम देखेंगे वो अथॉरिटी कौन है जिसको सब धर्म के लोगों ने स्वीकार किया, वो अथॉरिटी कौन है जो सर्व धर्म में मान्य है। आप देखेंगे क्रिश्चियन धर्म की बात अगर की जाए तो क्रिश्चियन धर्म में भी परमात्मा के विषय में यही मान्यता है। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज लाइट, रिमेंबर गॉड फादर। माना क्रिश्चियन धर्म में भी परमात्मा के स्वरूप के बारे में जो जानकारी दी गई वो यही है कि परमात्मा लाइट है, अर्थात वो ज्योति स्वरूप है। इसलिए आप देखिए जब वो लोग चर्च में जाते हैं तो प्रेयर के दौरान कैंडल जलाते हैं। कैंडल जलाने की प्रथा क्यों है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि परमात्मा कैसा है, तो वो पॉइंट ऑफ लाइट है। उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा के ओनर में कैंडल चलाते हैं। नेक्स्ट आप देखिए हमारे मुसलमान भाई लोग, वो लोग भी खुदा को नूर के रूप में मानते हैं। वहां भी उस खुदा के विषय में यही कहा गया कि खुदा नूर है, उस नूर की इबादत करो। और जब मुसलमान भाई लोग मक्का मदीना में हज करने जाते हैं तो वहां एक शिवलिंग के आकार का पत्थर है जिसको संगे अस्वद कहा गया,
उसको चूमते हैं और तब समझते हैं हमारा हज सफल हुआ। और वहां वो एक वाक्य बोलते हैं, हे परवरदिगार, हे नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो। कहने का तात्पर्य है कि वो लोग भी परमात्मा को किस रूप में मानते हैं, नूर के रूप में, लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में, वो भी परमात्मा को मानते हैं। इसके पश्चात देखा जाए सिख धर्म में हमारे गुरु नानक साहब, उन्होंने भी परमात्मा के विषय में यही कहा, एक ओंकार निराकार, परमात्मा एक है और वो निराकार है। उसको ना नर का आकार है ना नारी का आकार है। निराकार इसलिए कहा गया, साकार के कॉन्ट्रास्ट में निराकार शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि परमात्मा को ना ही नर का आकार है और ना ही नारी का आकार है। उस भगवान की महिमा में गुरु नानक जी कहते हैं, जप साहब सुखमणि, उस परमात्मा को सतगुरु साहब इन शब्दों से उन्होंने संबोधित किया। कहने का तात्पर्य है कि वहां भी परमात्मा के विषय में जो मान्यता है वो यही है कि परमात्मा का स्वरूप कोई दैहिक स्वरूप नहीं है, बल्कि परमात्मा निराकार है और निराकार शब्द साकार के परिपेक्ष में कहा गया। फिर आप देखेंगे कई जगह बौद्धी लोग भी जो अपने मेडिटेशन के प्लेसेस को निर्मित किए हैं, वहां वो अपना ध्यान पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा की तरफ केंद्रित करते हैं, अर्थात वो भी पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा को याद करते हैं। ये तो विभिन्न धर्मों की बात हुई। हम अपने हिंदू माइथोलॉजी में देखें तो 33 करोड़ देवी देवताओं की हम सभी पूजा करते हैं, लेकिन सभी की पूजा साकार मूर्ति के रूप में होती है। शिव की पूजा किस रूप में है? आप देखेंगे शिवलिंग का जो स्वरूप है वो बड़ा ही विलक्षण स्वरूप है। उस स्वरूप में ना हाथ है, ना पांव है, ना कोई इंद्रिया है। उस शिवलिंग का स्वरूप ज्योति स्वरूप परमात्मा का प्रतीक है। ऐसे भी शिवलिंग को कहा गया ज्योतिर्लिंग, अर्थात ज्योति स्वरूप परमात्मा का वो यादगार लिंग है, अर्थात चिन्ह है। कहने का तात्पर्य है कि जो परमात्मा हम सर्व आत्माओं के पिता है, उनका जो स्वरूप है वो पॉइंट ऑफ लाइट है। आप देखते हैं कि परमात्मा शिव की आराधना सभी देवी देवताओं ने किसी न किसी रूप में की। भगवान शिव के कर्तव्यवाचक नाम और गुणवाचक नाम भी उनके सर्वोपरि होने के अस्तित्व को दर्शाते हैं। उनको रामेश्वरम कहा गया, अर्थात श्री राम के ईश्वर होने के नाते उनको रामेश्वर कहा गया। उनको गोपेश्वर कहा गया, सोमनाथ, अमर
अमरनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, पशुपतिनाथ, भूतनाथ, गरीबनाथ, ये सब नाम परमात्मा शिव के हैं। माना इन नामों से हमें एक और बहुत सुंदर जानकारी मिलती है कि जो भी नाथ और ईश्वर शब्द के नाम है वो मुख्यतः परमात्मा शिव के आगे जुड़े हैं। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आखिर क्या फर्क पड़ता है हम बिंदु को याद करें या साकार स्वरूप को याद करें, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज तक हमारा मन परमात्मा की याद में एकाग्र नहीं हो पाया, उसकी वजह ही यही थी कि ना हमें स्वयं की पहचान थी और ना ही हमें परमात्मा की पहचान थी। हम स्वयं बॉडी कॉन्शियस में थे इसलिए हम गॉड कॉन्शियस नहीं हो पाए, और जब तक हम सोल कॉन्शियस नहीं होंगे तब तक हमारा संबंध उस सुप्रीम अथॉरिटी परमात्मा के साथ नहीं जुड़ सकता। हमारे शास्त्रों में भी बाबा तुलसीदास जी एक बहुत अच्छी बात कह गए हैं, अगर हमें परमात्मा की पहचान नहीं होगी तो उनसे प्रीत जोड़ना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, बिन परतीति होए न प्रीति। जब तक परिचय नहीं होगा तब तक हमारा संबंध नहीं जुड़ सकता। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं मुझे यथार्थ रूप से जब तक मनुष्य आत्माएं जानती नहीं है तब तक वो मेरे शरण में मेरी याद का अनुभव नहीं कर सकती है। तो इसलिए हम सभी ये विषय स्पष्ट रीति से समझ रहे हैं कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो हम सभी ने देखा कि हर धर्म में परमात्मा के स्वरूप का जो विवरण किया गया वो ज्योति स्वरूप का विवरण किया गया, लाइट स्वरूप का विवरण किया गया, प्रकाश स्वरूप का विवरण किया गया। और रामचरितमानस में भी भगवान की महिमा में लिखा है, बिन पग चले सुने बिनु गाना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। अर्थात परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है उसकी स्थूल इंद्रिया नहीं है लेकिन फिर भी वो कार्य करता है, उनके हाथ नहीं है, उनके पांव नहीं है, उनकी स्थूल इंद्रिया नहीं है फिर भी वो कार्य करता है, क्योंकि वो करण हार नहीं है बल्कि करण करावण हार है। तो हम सभी ने देखा कि परमात्मा जिसको हम अमरनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ अनेक नामों से पुकारते आए, उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है। जैसे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूं ऐसे मेरा पिता परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है। उस परमात्मा के जो कर्तव्यवाचक नाम है वो भी बहुत रहस्यमय है। ये कर्तव्यवाचक नाम ये स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा ने इस धराधाम पर इन कर्तव्यों को किया, इसलिए आज उनकी महिमा हम इन नामों से करते हैं। और आप जानेंगे कि ये वो समय चल रहा है जो फिर से परमात्मा इस धराधाम पर अपने कर्तव्यों को कर रहे हैं। उनको अमरनाथ कहा गया, क्यों?
क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा का पिता होने के नाते उनको अमरनाथ कहा गया, उनको विश्वनाथ कहा गया, क्योंकि विश्व की आत्माओं के नाथ है, स्वामी है, इसलिए विश्वनाथ कहा गया। पशुपतिनाथ कहा गया, नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है। जब मनुष्य पाशों में बंध जाता है, अर्थात अनेक बंधनों में बंध जाता है, तब परमात्मा मनुष्य आत्माओं को ज्ञान दे करके और योग सिखा करके अनेक बंधनों से मुक्त करते हैं, इसलिए उनको पशुपति नाथ कहा गया, उनको सोमनाथ कहा गया। सोम का अर्थ होता है अमृत। परमात्मा हमें ज्ञान रूपी अमृत मिलाकर पतित से पावन बनाते हैं, इसलिए उनको सोमनाथ कहा गया, उनको वैद्यनाथ कहा गया। वैद का काम होता है जड़ी बूटी देकर रोगों को ठीक करना। परमात्मा वेदों का वैद, परम वैद है। जब हम आत्माएं विकारों के रोग से ग्रसित हो जाती है, जब हम आत्माएं अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित होकर दुखी और अशांत हो जाती है, तब वैद्यनाथ परमात्मा हमें ज्ञान की जड़ी बूटी देकर हमें विकारों के रोग से मुक्त करते हैं। भाई बहनों, आप अनुभव करते होंगे, आज हमारा तन भी बीमार क्यों पड़ रहा है? क्योंकि इसकी वजह है कि जब हम बॉडी कॉन्शियस में आए तो हमारा मन बीमार हुआ। पहले मन कमजोर हुआ, पहले मन विकारों के अधीन हुआ, और आज उसका इम्पैक्ट हमारे तन के ऊपर दिखाई दे रहा है। आप संसार के सिचुएशंस को देख रहे हैं, जितना हमारा मेडिकल साइंस एडवांस हो रहा है, जितने डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, जितने हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं, उतनी बीमारियां बढ़ती जा रही है। हर समय कोई ना कोई नई बीमारी एक चैलेंज बनकर आ जाती है, लेकिन आज हमें मालूम नहीं है कि तन की बीमारी भी क्यों समय प्रति समय इतना उग्र रूप धारण कर रही है। क्योंकि फाउंडेशन में देखा जाए तो हम सभी का मन बीमार है। जब तक ये मन शक्तिशाली नहीं होगा, जब तक हम मन से बूस्टअप नहीं होंगे, हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, पावन नहीं होगी, तब तक हम इन बीमारियों से भी निजात नहीं पा सकते। इसलिए मेडिटेशन हमें उस वैद्यनाथ परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना सिखाता है। जब हम वैद्यनाथ परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, तो परमात्मा हमें विकारों की बीमारी से मुक्त करते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप हमें मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी अचीव होती है, और हमारा जीवन सुखमय और शांतिमय बनता है। आगे हम परमात्मा के कर्तव्यों की चर्चा करें तो उस परमात्मा को बबूल नाथ भी कहा गया। जब मनुष्य आत्माओं के संस्कार कांटों जैसे हो जाते हैं, तो परमात्मा हमारे कांटों जैसे संस्कारों को फूलों जैसा बनाते हैं। आप सभी अनुभव कर रहे हैं, आज हम संबंधों में देखते हैं दूरियां आ रही। कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी कि संबंधों में समरसता कम हो रही है। क्यों? क्योंकि
व्यक्ति नेगेटिव सोचता है तो उसके मुख से बोल भी नेगेटिव निकलते हैं, उसका कर्म भी फिर उसी प्रकार से होता है, और ना चाहते हुए भी वो अपने आचरण से दूसरों को कांटा चुभाता है या दुख देता है। अब ये जो हमारे संस्कार प्रबल हो गए हैं, कई लोग हमें कहते हैं हम चाहते नहीं है कि हम गुस्सा करें, लेकिन ना चाहते हुए भी हमें गुस्सा आ जाता है। कई लोग कहते हैं हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में रिएक्ट करें, लेकिन संस्कार बन गया है, कोई भी बात हमारे मन के विपरीत होगी हम तुरंत रिएक्ट करेंगे, हम तुरंत फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे, ये हमारा संस्कार बन गया है। परंतु जब आप बबूललाथ परमात्मा के साथ अपने मन का कनेक्शन जोड़ेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि आपके जो कांटों जैसे संस्कार है, जो दुख देने वाले संस्कार है, वो सुखदायी संस्कारों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप देखिए मनुष्य का एक स्वभाव बन गया है दुख देने का, लेकिन ये स्पिरिचुअल नॉलेज हमें सिखाती है कोई हमें कितना ही दुख दे लेकिन हमें सबको सुख देना है। दुनिया के लोग भल आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपका संबंध परमात्मा के साथ है तो वो हमेशा आपका आदर करेगा। इस पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास गया। उसने वहां क्या देखा कि मैं तो इतना ज्ञानी हूं लेकिन मेरे लिए तो इतना सम्मान किसी के मन में नहीं है, परंतु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के कितने शिष्य हैं, हर एक उनका कितना सम्मान करते हैं और हर एक जैसे अपने दिल में उनको स्थान देते हैं। उनके अंदर एक ईर्ष्या की भावना जगी। उस ज्ञानी पुरुष के अंदर एक विचार आया। क्या विचार आया कि अगर मैं रामकृष्ण परमहंस जी के सामने भगवान के अस्तित्व को नकार दूंगा तो लोग फिर उनको पूछना बंद कर देंगे, माना उनका सम्मान घटाने के लिए इस ज्ञानी व्यक्ति ने रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचकर भगवान के अस्तित्व को नकारने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए कि भगवान नहीं है, बहुत सारे लॉजिक देना उसने शुरू किए। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने बहुत सारे लॉजिक देना शुरू किया, रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराते रहे, वो और बढ़िया लॉजिक देने लगा। तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छी तरह से सिद्ध कर रहे हो कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। फिर उसने अपने हिसाब से और ज्यादा मार्वेलस लॉजिक्स देना शुरू किए। रामकृष्ण परमहंस जी इरिटेट होने के बजाय, फ्रस्ट्रेट होने के बजाय, और उस व्यक्ति को बिना एक शब्द कहे और ही उस दृश्य का आनंद लेने लगे। आप जानते हैं जब भी व्यक्ति दूसरे को परेशान करने की कोशिश करता है और अगर सामने वाला परेशान नहीं होता तो वो स्वयं परेशान हो जाता है। यही हाल उस ज्ञानी पुरुष का हुआ। उसने रामकृष्ण परमहंस जी को परेशान करने का बहुत प्रयास किया, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी को बिगाड़ने का बहुत प्रयास किया, उनको इरिटेट करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब उसने देखा कि रामकृष्ण परमहंस जी इरिटेट नहीं हुए तो वो कहने लगा
कि गुरु जी आपको पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि मैं जिस चद्दर पर बैठा था मुझे उसको ही खींचना था, लेकिन मुझे बड़ा विचित्र लगा कि मैंने इतना परमात्मा के विषय में उल्टा सुल्टा कहा और आप तो परमात्मा के परम भक्त हैं, आप तो माँ के परम भक्त हैं, आपका तो परमात्मा पर बहुत विश्वास है, आपको जरा भी गुस्सा नहीं आया? ऐसा कैसे हुआ? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे हर शब्द में भगवान की शक्ति को महसूस कर रहा था, मैं तुम्हारे हर वाक्य से भगवान के अस्तित्व को महसूस कर रहा था, मैं तुम्हारे शब्दों को ध्यान नहीं दे रहा था, मैं भाव देख रहा था और उस भाव में परमात्मा की शक्ति देख रहा था। बहुत अच्छे वाक्य उन्होंने कहे कि आई वॉज सीइंग गॉड्स एनर्जी इन योर वर्ड्स, आई वॉज सीइंग गॉड्स पावर इन योर लॉजिक, आई वॉज सीइंग गॉड्स एनर्जी इन योर पर्सनालिटी। हर तरफ उन्हें परमात्मा की शक्ति ही महसूस हुई। ये था उनका परमात्मा पर अटूट विश्वास। आखिर वो व्यक्ति उनके सामने नतमस्तक हो गया। इसको कहा जाता है परमात्मा पर निश्चय। आप जहां भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, आप हर स्थिति और अवस्था में परमात्मा की शक्ति को महसूस कीजिए। अपने मन की तार परमात्मा के साथ जोड़ कर रखिए तो कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं करेगी और आप ये महसूस करेंगे कि किसी भी संस्कार को चेंज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो जो पहली बात थी वो हम सभी को स्पष्ट हो गई कि परमात्मा जो हम सर्व आत्माओं का पिता है, उसका जो सत्य स्वरूप है वो है अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, और वो परमात्मा सर्व धर्म मान्य है। दूसरी बात, परमात्मा वो है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, क्योंकि अगर भगवान भी जन्म मरण के चक्र में आ जाए तो हमें इससे लिबरेट कौन करेगा? परमात्मा वो है जो कर्म और फल के बंधन से मुक्त है। चौथी बात, परमात्मा वो है जो सर्वज्ञ है, जो सर्व बातों का ज्ञाता है। मनुष्य आत्माएं अल्पज्ञ है लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ है। आगे हम जानेंगे परमात्मा वो है जिसका कोई माता पिता गुरु शिक्षक नहीं है, इसलिए उसको कहा गया परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु। अर्थात परमात्मा जो निराकार है, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, जो कर्म और फल के बंधन से मुक्त है, उनका कोई माता पिता गुरु शिक्षक नहीं है, क्योंकि वो माताओं के भी माता है, पिताओं के भी पिता है, गुरुओं के भी गुरु है और शिक्षकों के भी शिक्षक है। वो हम सभी ने ये जान लिया कि उस परमात्मा का साकार में यादगार शिवलिंग के रूप में है और उसी परमात्मा का जो सत्य नाम है वो है शिव, क्योंकि शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, शिव का अर्थ होता है बिंदु, शिव का अर्थ होता है बीज। परमात्मा
सदैव कल्याणकारी है, परमात्मा बिंदु है और मनुष्य सृष्टि को अगर एक वृक्ष के साथ तुलित किया जाए तो परमात्मा इसके बीज रूप है और हम बहुत प्यार से उस परमात्मा को कहते हैं शिव बाबा। यहाँ बाबा शब्द संबंध दर्शाने के लिए कहा गया। यहाँ बाबा शब्द ये स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि परमात्मा के साथ हमारा बहुत नजदीकी रिश्ता है। तो जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, ऐसे हमारा पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है और हम सभी उसको प्यार से आज से क्या कहेंगे, सभी आज से प्यार से उस परमात्मा को किस नाम से पुकारेंगे, शिव बाबा। भगवान कहने से बहुत दूर का रिश्ता लगता है लेकिन जब हम उसको बाबा कहते हैं तो हमें बहुत नजदीक के रिश्ते का अनुभव होता है। दुनिया में अन्य जो मान्यताएं परमात्मा के विषय में प्रचलित थी, इस बात को समझने से हमें वो सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते। किसी ने कहा था प्रकृति ही परमात्मा है, नेचर इज गॉड, पर अब हमने समझ लिया नेचर इज नॉट गॉड, नेचर इज द क्रिएशन ऑफ गॉड। प्रकृति परमात्मा नहीं है परंतु परमात्मा रचयिता है और प्रकृति उसकी रचना है। किसी ने कहा था आत्मा ही परमात्मा है, परंतु हमें ये स्पष्ट हो गया कि आत्मा परमात्मा की संतान है। आत्माएं अनेक हैं लेकिन परमात्मा एक है, इसलिए आत्मा को हम परमात्मा का वंश कह सकते हैं लेकिन आत्मा ही परमात्मा है ये कहना यथार्थ नहीं है। जब आत्मा ही परमात्मा है या आत्मा में ही परमात्मा का वास है तो भला आत्मा पुकारती किसको है कि हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ, हे मुक्ति जीवन मुक्ति दाता आओ। जब हम दुखी होते हैं परमात्मा को पुकारते हैं और जरूर हम इस बात से कहीं ना कहीं अवगत है कि परमात्मा हमारी आत्मा में वास नहीं करता बल्कि जरूर उसका कोई अन्य स्थान है जहां का वो रहवासी है और हम उसको पुकारते हैं कि आकर के हमारे दुखों को दूर कर। जब हमें परमात्मा का परिचय मिल गया, हमने उसका नाम जाना, हमने उसका रूप जाना और हम उसका अब धामने जब जान लेंगे तो उसको याद करना हमारे लिए बहुत इजी होगा। हम सभी परमात्मा के धाम को कल डिटेल में जानेंगे लेकिन आज मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि परमात्मा का जो धाम है उसका नाम है परम धाम। गीता में भी भगवान कहते हैं कि मेरा धाम परम धाम है और उस परम धाम के विषय में गीता में भी भगवान ने वर्णन किया कि वो एक ऐसा धाम है जो सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है बल्कि स्वयं प्रकाशित है। और उसी गीता में भगवान के सत्य स्वरूप का बहुत ही सुंदर विवरण आता है। अर्जुन को जब विराट रूप का दर्शन हुआ उस वक्त आप सभी जानते हैं जब अर्जुन भगवान की वाणी को
स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्या अर्जुन को भगवान ने अपने सत्य स्वरूप से अवगत कराने के लिए अपने विराट रूप का साक्षात्कार कराया, तो अर्जुन ने क्या देखा कि हजारों सूर्यों के उदय होने से जितना प्रकाश फैलता है उससे कई गुणा अधिक प्रकाशवान स्वरूप भगवान का दिखाई दिया और भगवान ने एक ही श्रेणी में अपने ऐश्वर्य और सौंदर्य का श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन किया है। भगवान कहते हैं, मैं सूर्य के समान तेजोमय हूं तो मैं चंद्रमा के समान शीतल हूं। यानी यहां भगवान ने स्पष्ट किया कि परमात्मा का तेज मन को जलाने वाला नहीं है बल्कि मन को शीतल करने वाला है। और ऐसे ही अलग अलग श्रेणी में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है, जहां भगवान कहते हैं, मैं नदियों में गंगा हूं, जिसे गंगा नदी को सर्वोपरि माना गया, ऐसे परमात्मा सर्व मनुष्य आत्माओं से सर्वोपरि। यहाँ एक बात हमें समझनी है, कई लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान ने तो गीता में कहा कि मैं नदियों में गंगा हूं, मैं वृक्षों में पीपल हूं, तो यहाँ परमात्मा ने एक एग्जाम्पल देकर के स्पष्ट किया है कि दुनिया में जितनी भी चीजें ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है या सौंदर्य प्रदान करने वाली है, उन सबसे उत्तम मैं परमात्मा ने ये स्पष्ट किया है। इसलिए हमें इस लॉजिक को समझना होगा कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो साकार जगत से परे निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा का है और उस परमात्मा का धाम है परम धाम। वो परम धाम जो सूरज चांद सितारों से पार, जहां विज्ञान के किसी भी साधन के द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता, जहां शरीर के द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता, वो है परमात्मा का देश, जो सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया है, जिसके विषय में कल हम और गहराई से जानेंगे। उसको शांति धाम भी कहा गया, उसको मुक्ति धाम भी कहा गया, उसको स्वीट साइलेंस होम भी कहा गया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड भी कहा गया, अनेक नामों से उस धाम को पुकारा गया है। हमारे अन्य धर्म शास्त्रों में भी उस धाम को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया, जैसे हमारे मुसलमान भाई लोग उसको सातवां आसमान कहते हैं, बौद्धी लोग निर्वाण धाम कहते हैं, जैनी लोग शिव धाम कहते हैं। ऐसे अनेक नामों से अलग अलग धर्मों में उस धाम को संबोधित किया गया है। तो आज जो हमने परमात्मा का परिचय जाना, ये परिचय हमने इसलिए जाना ताकि हमें अपने मन को परमात्मा के साथ कनेक्ट करना आसान हो जाए। अब हम अपनी दिनचर्या में इस चीज को शामिल करेंगे कि जो परमात्मा हमारा पिता है, जिसके साथ हमारे सारे संबंध है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हम गाते थे ना, तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व, तुम्हें वह बंधु च शखा तुम्हें वह, सिर्फ हम गाते थे लेकिन हमें इन संबंधों का अनुभव नहीं था। परंतु अब जब हमें परमात्मा का परिचय मिल गया है तो इन संबंधों का अनुभव करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो जब सुबह आपकी आंख खुलती है तो
सबसे पहले आप उस परम पिता परमात्मा को, अपने प्यारे पिता को, अपने खुदा दोस्त को गुड मॉर्निंग कीजिए। सुबह की शुरुआत अगर आप परमात्मा की याद से करते हैं तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा होगा। जो परमात्मा सर्व गुणों का भंडार है, जो ज्ञान का सागर है, जो प्रेम का सागर है, जो शांति का सागर है, जो आनंद का सागर है, अगर आप उस परमात्मा की महिमा से अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो मनोविज्ञान कहता है कि जिसको आप याद करते हैं उसके मन का डाटा आपके ऊपर डाउनलोड होता है। जैसे आप देखिए, हम सभी का एक अनुभव रहा है, हम किसी को बहुत दिल से याद कर रहे होते हैं तो कई बार अगर वो व्यक्ति नजदीक होता है तो अचानक वो हमारे घर आ जाता है, या वो व्यक्ति दूर है तो उसका फोन आ जाता है, या उसका कोई व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है, या उसका कोई टेलीग्राम आ जाता है, तो हम कहते हैं देखो अभी हम उसको याद कर रहे थे और अभी अभी उसका मैसेज आ गया, उसका कॉल आ गया। माना आप जिसको भी याद करते हैं सबसे पहले आपके संकल्प में इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है कि आप जिस व्यक्ति के लिए संकल्प करते हैं उस संकल्प के वाइब्रेशंस तुरंत उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं और वो व्यक्ति आपको रिस्पॉन्ड कर देता है। जितनी पावरफुल फ्रीक्वेंसी होती है उतना जल्दी आपको रिस्पॉन्ड मिलता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन की स्थिति सारे दिन में कई बार चेंज होती है। कई बार आप बहुत खुश होते हैं लेकिन अचानक से आपको ऐसा फील होता है कि आपका मन निराश हो गया, मन के अंदर एक उदासी अनुभव होने लगती है और आपको समझ में नहीं आता है कि सब कुछ फेयर है, सारी चीजें ठीक चल रही है, सिचुएशन अनुकूल है, फिर भी मेरा मन इतना उदास क्यों है। इसकी वजह होती है कि जरूर उस समय आपका मन उस व्यक्ति को याद कर रहा है जिस व्यक्ति की मनस्थिति ठीक नहीं है। अगर आपका मन ऐसे व्यक्ति को याद कर रहा है जो उदास है या टेंशन में है या डिस्टर्ब है तो उसके मन का डाटा आपके ऊपर डाउनलोड हो जाता है और उसके वाइब्रेशंस आपके मन पर भी अपना इम्पैक्ट डालते हैं और परिणाम स्वरूप आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या उदास हो जाते हैं या आपकी खुशी गायब हो जाती है। कई बार अल्टरनेटिव आपने ये भी फील किया होगा कि आप बहुत ज्यादा खुश नहीं थे लेकिन अनायास किसी व्यक्ति को याद करते ही आपके मन में खुशी की लहर आ गई, आपका मन बहुत ज्यादा उमंग उत्साह में आ गया। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आप जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं उस व्यक्ति का मन अगर खुश है, उसका मन अगर बूस्ट अप है, उसका मन अगर बहुत उमंग उत्साह में है तो उसके मन का डाटा आपके ऊपर डाउनलोड हुआ, उसके वाइब्रेशंस आपके मन पर इम्पैक्ट डाले और आपका मन भी खुश हो गया। अब आप देखिए, दुनिया के लोगों की तो मानसिक स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, परंतु हमारा जो पिता परमात्मा है, जो शांति का सागर है, जो प्रेम का सागर है, जो आनंद का सागर है, जो दया का सागर है, अगर आप दिन की शुरुआत उस परमात्मा की याद से करते हैं तो आपके मन पर कौन सा डाटा डाउनलोड होगा, आपके मन के ऊपर कौन से वाइब्रेशंस असर डालेंगे,
भगवान के वाइब्रेशन, और परमात्मा के जो वाइब्रेशंस है वो कैसे है, खुशी वाले, उमंग वाले, सुख वाले, शांति वाले, शक्ति वाले वाइब्रेशंस है। तो उस परमात्मा को याद करते ही आप भी बहुत अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करना शुरू कर देंगे, और रात को सोते वक्त उस परमात्मा को हम सभी को अपने बोझ लेकर सोना है। आज रात को आप जब सोने जाएंगे तो आज सोने से पहले 5 मिनट आप उस परमात्मा से जरूर बातें करें। क्या बातें करनी है? सबसे पहले आप स्वयं को याद दिलाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं मस्तक के बीच विराजमान एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं, एक चमकता हुआ सितारा हूं, और मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूं। प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, वो आनंद का सागर है, सर्वशक्तिमान है। जो भी आपके मन में चिंता हो, जो भी आपके मन में बोझ हो, सोने से पहले अपने सारे बोझ आप परमात्मा को दे देंगे, तेरा तुझको अर्पण कर देंगे, और फिर परमात्मा को गुड नाइट करके आज आप सोएंगे। ये आपका आज के लिए होमवर्क है। और आज अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा तो जरूर मैं समझती हूँ कि आप जब सुबह उठेंगे तो अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, आप अपने आप को बहुत लाइट फील करेंगे, और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, आपका साउंड स्लीप होगा, और सुबह उठ करके आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। और मैंने बताया सुबह की शुरुआत भी हमें परमात्मा की याद से करनी है, उसको गुड मॉर्निंग करके हमें सुबह की शुरुआत करनी है, उसकी महिमा के साथ अपने मन की तार को उसके साथ जोड़कर हमें सुबह की भी शुरुआत करनी है। देखिए क्यों हम कहते हैं कि अगर आप ईश्वर को अपने बोझ समर्पित कर दें तो आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। कारण ये है कि हमारे जीवन में जो मैपन है और मेरापन है वही हमारे मन को बोझिल करता है। लेकिन अगर आप इस जीवन की वास्तविकता को समझिए तो आपको ये एहसास होगा कि ये जीवन तो भगवान के द्वारा दिया गया सौगात है। आप तो बस एक इंस्ट्रूमेंट है आपकी आत्मा का स्वामी, आपका रक्षक, आपका पालनहार तो स्वयं परमात्मा है। जब आप इस चीज को एहसास करने लगेंगे कि आप एक इंस्ट्रूमेंट है और आप परमात्मा की छत्र छाया में है, वो आपका गार्जियन है, वो आपका स्वामी है, अगर ये आप फील करने लगेंगे तो बहुत सारे बोझ आपके फिनिश हो जाएंगे। इस पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक बार एक राजा थे और वो अपने राज कारोबार से बहुत ज्यादा थक चुके, बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में टेंशन था, और बार बार उनके अंदर विचार आता था कि रोज रोज मरने से तो अच्छा है एक दिन पूरा ही मर जाना, कौन इतना टेंशन लेकर जीवन व्यतीत करेगा। तो उन्होंने अपने गुरु से वार्तालाप की कि गुरु जी अब मैं संसारिक जिंदगी से बहुत थक चुका हूं और अब मैं चाहता हूं
कि मैं अपना कारोबार छोड़ करके कहीं एकांत में चला जाऊं, क्योंकि अब मुझे इतना ज्यादा टेंशन बर्दाश्त नहीं होता है। मैं इतना घुट घुट के जीवन नहीं जी सकता हूँ। इसलिए गुरु जी आप मुझे राय दीजिए, मैं इससे निवृत्त होना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पीछे ये कारोबार संभाल लेगा। तो राजा ने कहा नहीं, अभी मेरा बच्चा छोटा है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना बड़ा राज्य कारोबार संभाल सके। तो फिर गुरुजी ने एक दूसरा ऑप्शन दिया कि तुम्हारे राज्य में अन्य कोई ऐसा कैपेबल व्यक्ति हो तो उसको देखो, हो सकता है वो तुम्हारा कारोबार तुम्हारे पीछे संभाल ले। तो राजा कहते हैं कि नहीं गुरुजी, ऐसा कोई दूसरा कोई कैपेबल व्यक्ति मुझे नहीं दिखता है जो मेरे इस कारोबार को संभाल सके। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, जब तुमको कोई ही दिखाई नहीं देता तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ये सारा कारोबार संभाल लूंगा। जब को भी अच्छा लगा, योग्य व्यक्ति स्वयं गुरुजी तैयार हो गए राज्य कारोबार संभालने के लिए। राजा एकांत में बैठ करके चिंतन करने लगा, उसको यहाँ से जाना है, और जाना है तो उसने सोचा कि राजकोष से मैं कुछ पैसे ले लूं, क्योंकि जीविका चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे ही राजा ने अपना हाथ राजकोष में पैसों को निकालने के लिए डाला, वैसे ही गुरुजी कहते हैं ठहरो, अब यहाँ की संपूर्ण जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, इसलिए तुम यहाँ का कुछ भी अब नहीं ले सकते हो, तुमको जाना है तो खाली हाथ जाओ। राजा सोचने लगा ठीक ही बात है, जब मैंने सर्वस्व उनको ही अर्पण कर दिया तो अब मेरा क्या अधिकार बनता है कि मैं यहाँ से कुछ भी लेकर जाऊं। अब राजा फिर से सोचने लगा कि मैं क्या करूंगा, कहीं नौकरी करना पड़ेगा, कैसे आगे लाइफ लीड होगी। तो गुरुजी ने पूछा राजा क्या सोच रहे हो, तो राजा ने कहा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कहीं जाकर नौकरी करूं। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर तुमको कहीं नौकरी ही करनी है तो तुम यही मेरे पास नौकरी कर लो। तो राजा सोचता है तो अच्छी बात है कि मैं यही गुरुजी के पास ही नौकरी कर लेता हूँ। गुरुजी ने सुबह से लेकर रात तक का कारोबार उसको दे दिया। सारा कारोबार राजा कर रहा था और बहुत खुश था। 7 दिन के बाद गुरुजी ने उससे प्रश्न पूछा, राजा जो काम तुम पहले करते थे वही काम तुम आज भी कर रहे, लेकिन पहले तुम इतना फ्रस्ट्रेट होते थे, इतना तुम्हें टेंशन रहता था, आज तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, तुम इतने खुश कैसे हो। तो राजा ने कहा मैं तो अपने आप को सिर्फ सेवक समझता हूं, और सेवक समझने से मैं लाइट रहता हूं, क्योंकि मुझे रहता है कि फायदा हुआ तो भी गुरु जी का और लॉस हुआ तो भी गुरु जी का, जैसे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए सेवक समझने से मैं अपने आप को हमेशा लाइट फील करता हूँ। गुरु जी कहते हैं मैं भी हमेशा यही समझता हूँ कि मेरा जिम्मेवार परमात्मा है और मैं उसका सेवक, ये मेरे अंदर रहती है तो ये स्मृति मुझे हमेशा बोझ से मुक्त रखती। राजा को भी गुरु जी ने यही सीख दी, हर कार्य करो लेकिन अपने आप को भगवान का सेवक समझो, निमित्त समझो, इंस्ट्रूमेंट समझो,
कभी भी ये अभिमान मत लाओ कि मैं कर रहा हूं। हमेशा याद रखो, करण करावड़ हार परमात्मा है और मैं निमित्त हूं। आप भी जब अपने सारे दिन की दिनचर्या को व्यतीत करते हैं तो आज से अपनी स्मृति चेंज कर लीजिए। मैं परिवार का ओनर हूं, मैं जिम्मेवार हूं, मुझे ही सब कुछ करना है, ये सोचने के बजाय आज से आप क्या सोचेंगे? मैं भगवान का सेवक हूं, परिवार भगवान का है, बच्चे भगवान के हैं, कारोबार भगवान का है, घर भगवान का है, मुझे बस भगवान ने इसको संभालने की जिम्मेवारी दी है। अगर आप इस सोच के साथ जीवन जिएंगे तो आपकी खुशी हमेशा कायम रहेगी। घर परमात्मा का है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि भगवान के घर की बहुत अच्छे से देखरेख करनी है। बच्चे भगवान के हैं तो बच्चों की भी संभाल बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि आपके नहीं है, ये भगवान के बच्चे हैं। आपका कारोबार भगवान का है तो बहुत ईमानदारी से कारोबार संभालना है, क्योंकि आपको अकाउंट भगवान को देना है, किसी इंसान को नहीं। तो आप अपने कर्मों में बहुत अलर्ट हो जाएंगे, आपके अंदर लाइटनेस भी आएगी और लाइटनेस के साथ साथ एक्यूरेसी भी आएगी। तो दो चीज याद रखेंगे, सुबह उठेंगे तो अपने प्यारे पिता शिव बाबा को क्या कहेंगे? शिव बाबा गुड मॉर्निंग, मैं आपका बच्चा आपके सामने हाजिर हूं, मैं आपकी संतान हूं, आप मेरे प्यारे पिता हो, अभी तक तो मुझे आपकी पहचान नहीं थी, लेकिन आज मैंने आपको पहचान लिया है, आज मैंने ये समझ लिया है कि आप ज्योति बिंदु स्वरूप हो, जैसे मैं आपका पॉइंट ऑफ लाइट हूं, ऐसे आप भी ज्योति बिंदु स्वरूप, आप सर्वशक्तिवान हो और मैं आपका बच्चा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। ऐसे पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपनी दिनचर्या को शुरू करेंगे और रात को सोने से पहले परमात्मा को अपना सारा अकाउंट दे, सारे दिन की दिनचर्या में जो अच्छा हुआ, कुछ मिस्टेक्स हुई, जो प्रॉब्लम आई, कोई बीमारी आ गई, जो भी सिचुएशन आपके सामने है, सब परमात्मा को सुनाकर उसको जिम्मेवारी सौंप कर बिल्कुल लाइट हो जाइए और भगवान को गुड नाइट कहके उसकी गोद में सो जाइए। बिल्कुल आपका माइंड रिलैक्स रहेगा और सुबह उठते ही आपके अंदर भगवान की ऊर्जा काम करेगी। तो आइए हम सभी उस प्यारे पिता परमात्मा को अभी के मेडिटेशन में कैसे याद करना है इसकी एक सुंदर कला सीखेंगे और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठ जाइए। कुछ पल के लिए सारी बाहरी बातों से
मन को समेटने गहरी सांस ले सांस बाहर छोड़ी गहरी सांस ले अमर अविनाशी आत्मा हूँ जहाँ हम सभी तिलक लगाते हैं ये आत्मा के रहने का स्थान है करें रात्रि का समय है आकाश में सितारे चमक रहे हैं जिस प्रकार आकाश में सितारे चमक रहे हैं मैं आत्मा भी एक चमकता हुआ सितारा हूं मैं एक लाइट हूं मैं आत्मा स्वयं सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की सत्ता हूं जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है बहुत प्यार से मन की आंखों से उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को अपने सामने देखें अनुभव करें वो अपना धाम छोड़कर आपके मस्तक के कुछ दूर ऊपर आकर विराजमान हो गए हैं वो परमात्मा अपनी छत्र छाया हमें अनुभव करा रहे हैं आज प्यार से उसको कहें ओ मेरे परम प्यारे शिव बाबा आज मुझ आत्मा ने आपको पहचान लिया बाबा आप मेरे सच्चे सच्चे मात पिता बंधु सखा मामी और सतगुरु को बाबा आप शांति के सागर को आप करुणा के सागर हो आप दया के सागर हो बाबा
से शांति की किरणें परत मेरे ऊपर पड़ रही हैं। बुद्धि बिंदु परमात्मा से शांति का आसमानी प्रकाश मेरे शरीर में फैल रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपना परिचय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। आत्मा खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार, अपने जीवन में भर लो, कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार, प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा। देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझा।
छाना कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार, उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। ओम शांति। जितने भी लोग शांति, आज का सत्र हम यही फिनिश कर रहे हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछेंगे, नहीं तो हम सेशन क्लोज करेंगे। ओम शांति। है किसी के शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मेरा क्वेश्चन था दीदी। हाँ बोलिए दीदी। बहुत अच्छा लगा दीदी। मैं चाहती हूँ कि आप सुबह में थोड़ा योग करवाइए, अमृत वेला तो बहुत अच्छा लगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस प्रोग्राम सुन के। ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार सुनूं इसे। और सोच रही हूँ थोड़ा सा मुरली क्लास भी करूँ सुबह का, तो लाइव पे क्या देख सकती हूँ मैं? जी दीदी, सुबह लाइव करवाइए तो बहुत अच्छा रहेगा, योग करवाइए सुबह में। और किसी का कोई भी प्रश्न नहीं तो फिर हम क्लोज करें। सभी को ओम शांति। और जो भी आपको ओम शांति मिला है आप जरूर उसको करेंगे तो ज्यादा आपको इस सेशन का लाभ मिल सकेगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। सुबह में योग करवाते तो अच्छा रहता। ओम शांति। ओम शांति। आप भी बोलिए। अभी योग करता
क्या होमवर्क? अरे इसमें देवों का फोटो है, दीक्षा का है, विश्व भी है। बेटा एकदम गुदी में बैठा है। Thank you.